नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक का नाटक अभी भी चल रहा है। शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी को राहत मिली क्योंकि केजी बोपैया कर्नाटक के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। उन्होंने शपथ भी ले ली है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी के विधायक हैं केजी बोपैया। पिछली बीजेपी सरकार में वो स्पीकर थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज ही प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करना था। कर्नाटक विधानसभा में कल शाम 4 बजे बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और उससे पहले केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिला दी गई है। पिछली बीजेपी सरकार में भी वो स्पीकर थे और अब एक बार फिर उन्हें प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर बनाया गया है। कल शाम 4 बजे यहाँ विधानसभा में, कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और तब बीजेपी के आंकड़ों के साथ आती है कि नंबर्स के साथ आती है, क्योंकि फिलहाल जादुई आंकड़े से कुछ दूर है बीजेपी। और ये जो कुछ का फैसला है या ये कुछ का फासला है, इसे कैसे तय करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बीच अहम खबर ये भी है कि कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। तो शक्ति परीक्षण है कल बीजेपी का, लेकिन उससे पहले राहत की खबर यही है कि केजी बोपैया, जो कि खुद उनके विधायक हैं, उन्हें कर्नाटक का प्रोटेम स्पीकर यहां पर बना दिया गया है। बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले भी बीजेपी की सरकार के समय वो स्पीकर थे। एक बार फिर यहां पर स्पीकर बनाए गए हैं और प्रोटेम स्पीकर है। फिलहाल शपथ दिलाई जा चुकी है। राहत की खबर है बीजेपी के लिए, लेकिन शक्ति परीक्षण कल शाम 4 बजे विधानसभा में फैसला होगा कि आखिर यहां सरकार किसकी बनती है। कर्नाटक का नाटक अभी भी लगातार बना हुआ है। नतीजे आए थे 15 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद आज 4 दिन बाद करीब करीब 4th दिन होने वाला है और अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस बीच येदुरप्पा ने शपथ भी ले ली है, तो देखना होगा कि सरकार उन्हीं की यहां पर आगे भी जारी रहती है या फिर कर्नाटक की कुर्सी जेडीएस और कांग्रेस के पाले में जाती है। दोनों ही पार्टियां, या यूं कहें कि ये दोनों ही पूरे जोड़ तोड़ में लगे हैं कर्नाटक की कुर्सी के लिए। तो आज प्रोटेम स्पीकर के चयन के बाद सबकी नजरें कल पर टिकी होंगी। कल प्रोटेम स्पीकर सभी नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और फिर सारे विधायक स्पीकर चुनेंगे और फिर स्पीकर शक्ति परीक्षण कराएंगे। बीजेपी पास हुई तो 5 साल के लिए राज करेगी। हालांकि ये प्रोसेस आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उतना आसान होगा नहीं। कर्नाटक शब्द में ही नाटक छिपा हुआ है। कल शाम तक ये नाटक अपने चरम पर होगा क्योंकि 4 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना है बीजेपी को। और कर्नाटक में नाटक में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के बाद अब बीजेपी को कल शाम 4 बजे अपना बहुमत साबित करना होगा। यानी कि जो 15 दिन पहले यहां पर बीजेपी को दिए गए थे, वो अब सिर्फ 1 दिन में तब्दील हो गया। यानी कि कल शाम 4 बजे बीजेपी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। बीजेपी के पास 104 विधायक हैं। बहुमत साबित करने के लिए 111 विधायक उसे चाहिए। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस के 8, जेडीएस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक, यानी कि 9 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को राज्य से बाहर हैदराबाद लेकर चली गई है। यहां कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके पास बहुमत लायक पूरे विधायक हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर कांग्रेस विधायक आनंद सिंह को अगवा करने का भी आरोप लगाया गया है। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। आज कर्नाटक का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बीजेपी को, येदुरप्पा सरकार को, अपना शक्ति परीक्षण करना होगा कर्नाटक विधानसभा में। जो जादुई आंकड़े का नंबर है 111 का, उसे वो छू पाती है नहीं, ये देखना होगा। बीजेपी के पास फिलहाल 104 सीटें हैं। 111 के लिए उसके पास 7 का संकट है, यानी कि 7 विधायक कम है। तो देखना होगा कि ये आंकड़ा वो कैसे जुटा पाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है
कि 11 विधायक बीजेपी के साथ है, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, और रात भर जो शिफ्टिंग का ड्रामा है वो लगातार होता रहा, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस ने अपने विधायकों को यहां शिफ्ट कर दिया है हैदराबाद। तो कर्नाटक लगातार जारी है, बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करा देते हैं। आशीष सूद साहब है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, अलीमुद्दीन खान कांग्रेस सपोर्टर मेरे साथ है, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में है, जीसी मल्होत्रा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो भी मेरे साथ हैं, टी आर रामचंद्रन सीनियर जर्नलिस्ट और ननद सेठ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जयपाल सीधे बैंगलोर से। जयपाल, ये कर्नाटक का नाटक तो खत्म ही नहीं हो रहा है, इसमें सबसे अहम ये है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो अब बीजेपी विधायक बोपैया जो है उन्हें चुन लिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी को किसी तरह का फायदा होगा या यह बहुत ही न्यूट्रल स्टेट है? जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया गया है। जो साधारण प्रक्रिया ये है कि जब भी कोई नई विधानसभा चुन करके आती है उस वक्त में एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और उस प्रोटेम स्पीकर को चुनने के बाद उसको राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर शपथ लेने के बाद तमाम जो सदस्य मौजूद होते हैं उनको वो शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद एक स्पीकर का चयन किया जाता है जिनको कि है, जो कि सदन जब तक सदन चलता है तब तक वो उसके सदस्य बने रहते हैं। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उन्होंने ये अधिकार प्रोटेम स्पीकर को दिया है कि वो जो वहाँ पर विश्वासमत की प्रक्रिया होगी या उसके जो नियम कानून होंगे या जिस तरह से भी होगा उन सभी चीज़ों का निर्धारण प्रोटेम स्पीकर करेंगे। तो अब इसको राज्यपाल द्वारा केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, अब उन्हीं के हाथ में है। मुझको नहीं लगता है कि इससे कोई विशेष फायदा होने वाली बात है, सिवाय इसके कि वो जरूर इस बात का निर्धारण कर पाएंगे कि कल विश्वासमत की प्रक्रिया क्या हो, किस तरह से वो किया जाए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह से दिशा निर्देश जारी किए हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत ही पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी कल के विश्वास मत की ओर होंगी, और वो ये जानना चाहेगी कि जब विश्वास मत हासिल किया जा रहा है तो क्या वो पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है या नहीं। जयपाल, लेकिन कल का दिन बेहद अहम है बीजेपी के लिए, बहुमत साबित करना है उसे विधानसभा में। एक बात बताइए, कल का पूरा प्रोसेस क्या होगा? जेडीएस कांग्रेस कहाँ है इनके विधायक? खबरें तो यही है कि हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन लोगों को यहाँ से हैदराबाद कल रात ले जाया गया था, आज सुबह वो लोग हैदराबाद पहुँचे हैं और दोनों ही दल एक ही साथ एक होटल के अंदर में मौजूद हैं। लेकिन और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो यहाँ मौजूद थे उनके साथ आरवी देशपांडे, केजे जॉर्ज, रामलिंगा रेड्डी, ये जो सीनियर कांग्रेस विधायक यहाँ थे वो मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद वो सभी एक साथ यहाँ पर से एक विशेष विमान से हैदराबाद चले गए हैं। इसमें एक बात और मैं आपको गौर करने लायक बता दूं कि राजशेखर पाटिल जो एक विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कल सुबह से रिसोर्ट से ये कह के निकले थे कि वो डॉक्टरी जाँच के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए थे। आज जब सिद्धरमैया यहाँ पर से हैदराबाद के लिए निकले हैं तो राजशेखर पाटिल उनके साथ हैं, कहने का मतलब वो कांग्रेस के कैंप में वापस आ गए हैं। अब ये पूरा दल यहाँ पर से उठ कर के हैदराबाद गया है, वहाँ पर एक मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर में कल कैसे इस विश्वास मत के दौरान उनकी भूमिका होगी उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात या कल सुबह एक विशेष विमान से इन सभी विधायकों को वापस बेंगलुरु लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ येदियुरप्पा के दृष्टिकोण से बल्कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की दोनों के दृष्टिकोण से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखने वाली बात होगी। जयपाल, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बस बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहूंगी, 4 बजे बहुमत साबित करना है,
उससे पहले जब विधानसभा में सब पहुंचेंगे तो क्या कुछ प्रक्रिया होगी? ये कार्यक्रम पूरा का पूरा कार्यक्रम इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस समय देश में हर किसी की नजर कर्नाटक पर टिकी हुई है, कल कर्नाटक विधानसभा पर सबकी नजरें टिकी होंगी, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है? सुबह 11 बजे के करीब शुरुआत होगी, सब लोग पहुंचेंगे, फिर उसके बाद क्या कुछ होगा बता सकते हैं जरा जल्दी से? देखिए, जो एक साधारण प्रक्रिया, जब भी कोई नई विधानसभा जुटती है तो जितने भी उसके सदस्य होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, और एक सबसे पहले जैसे हमने बताया कि प्रोटेम स्पीकर का चयन कर लिया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर वहाँ पर तमाम जितने भी विधायक हैं उन सभी लोगों को शपथ दिलाएंगे। संभव है कि कल जब विश्वास मत हासिल हो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा भी की जाए, लेकिन इसमें समय का ख्याल रखना हो जाएगा। अमूमन जो सदन 11 बजे शुरू होता है तो 11 बजे से सदन शुरू होगा, हो सकता है कि उसका थोड़ी सी चर्चा भी हो इस विषय पर विश्वास मत हासिल करने से पहले, क्योंकि येदियुरप्पा कई बार कह चुके हैं कि लोग अपने विवेक से मत देंगे, तो उन्हें ये उम्मीद है, हो सकता है वो कुछ एक इस पूरे विषय पर चर्चा करें कि उन्हें क्यों विश्वास मत दिया जाना चाहिए, और उसके बाद 4 बजे के आसपास ये विश्वास मत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ जयपाल, लेकिन सबसे पहले मैं जीसी मल्होत्रा साहब के पास आना चाहूंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। सर, बोपैया साहब को यहां पर प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है, कल वो शपथ भी दिलाएंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर होगा जिसमें साबित करना होगा बीजेपी को कि उसके पास नंबर पूरे हैं, आंकड़े पूरे हैं, क्या कुछ उनके पास पावर्स हैं अगर आप बता सके तो एज अ प्रोटेम स्पीकर? आज वो प्रोटेम स्पीकर की शपथ उनको दिला दी गई है। अब ये राज्यपाल के महोदय ने दिलाई है, जो भी सीनियर मोस्ट होता है ये पुराने स्पीकर थे, इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बना लिया गया है। अब कल मैं समझता हूँ कि नॉर्मल जो अब हाउस का टाइम होता है इससे बहुत पहले इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टाइट शेड्यूल है। अगर कल कल में ही कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोट करना है तो, और वो भी मुझे पता नहीं कि 4 बजे तक करना है या कल कल करना है, उस पर डिपेंड करता है, पर फिर भी इतना कम टाइम है, एक मेंबर को ओथ दिलाने में कम से कम 1.5-2.5 मिनट लग जाते हैं, और वो इतने में अगर 222 मेंबर हैं तो आप समझो 450-450 मिनट का, मतलब 7-8 घंटे का तो टाइम उनको ओथ के लिए चाहिए। अब इसको जल्दी करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कुछ ऑनरेबल मेंबर्स को ओथ पहले दिला के उनको पैनल ऑफ चेयरमैन में रख सकते हैं, और पैनल ऑफ चेयर में रखने के बाद वो चेयरमैन जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर की पावर लेके ओथ दिला सकते हैं बाकी सबको, क्योंकि अगर वो अकेले करेंगे इस चीज़ के लिए तो आज रात को ही चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ये कल तो 4 बजे तक ओथ भी नहीं ली जा सकेगी, तो कोई जल्दी तरीका निकालना पड़ेगा कि ओथ जो है वो 11, 12, 1 बजे, 12 बजे तक हो जाए। हर सूरत 12 बजे तक अगर ओथ सारे 222 मेंबर की हो जाती है तो फिर एक मोशन आएगा स्पीकर के इलेक्शन के लिए। अब डिपेंड करता है कि स्पीकर के इलेक्शन को कंटेस्ट भी किया जाएगा, JDS और कांग्रेस वाले हो सकता है अपना कैंडिडेट रखें, BJP वाले अपने रखें, तो बहुत कुछ तो फैसला वहीं पर ही हो जाएगा कि स्पीकर किसका चुना जाता है, वहीं पता लग जाएगा कि मेजॉरिटी किसके पास है। अगर मान लीजिए BJP अपना स्पीकर इलेक्ट नहीं करवा पाती, देखिए इस वक्त BJP का स्पीकर बनने का मतलब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉमिनेट होता है, गवर्नर साहब ने नॉमिनेट किया है, वो किसी को भी कर सकते थे, पर कल स्पीकर साहब का इलेक्शन होगा और इलेक्शन के लिए वोट चाहिए, और वो वोट उतने ही चाहिए जितने मेजॉरिटी के लिए चाहिए होते हैं, तो वहीं पर ही पता लग जाएगा कि अगर BJP का स्पीकर बन गया तो इसका मतलब ये है कि BJP के पास स्ट्रेंथ आ गई है, तो फिर उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आएगी वो महज औपचारिक रह जाएगी, थोड़े बहुत भाषण होंगे और मेरे ख्याल में भाषण भी बहुत कम होंगे, सवाई इसके कि CM साहब बोले या कोई ओपोजिशन के मेंबर बोले, और उसके बाद तो वोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीकर उनके बन चुके हैं BJP के
तो फिर औपचारिकता रह जाएगी मेजॉरिटी लेने के लिए। पर अगर मान लीजिए उनके स्पीकर बन ही नहीं पाए हैं तो फिर कॉन्फिडेंस मोशन जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मल्होत्रा साहब, एक और चीज ये कि जो स्पीकर होता ये प्रक्रिया है कल क्या के लिए, उसका वोट फिर काउंट नहीं करेगा? मान लीजिए अगर बीजेपी की तरफ से बोपैया साहब ऐसा ऐसा आपने ठीक, मैं समझ गया आपकी बात देखिए जो भी स्पीकर की चेयर पे बैठते हैं उनका वोट नहीं होता, यानी उनका पहला वोट नहीं होता। तो जो भी पार्टी या दल अपना स्पीकर बनवाएंगे एक वोट तो उनका कम हो जाएगा इसी से ही। स्पीकर का वोट सिर्फ टाई वोट होता है। मान लीजिए जब दोनों पार्टियों की टाई हो जाए, बराबर बराबर वोट हो जाए, तो फिर फैसला स्पीकर साहब अपने वोट से करते हैं। तो स्पीकर का वोट टाई वोट के लिए ही होता है, पहला वोट नहीं होता है। ठीक है सर, तो जिनका स्पीकर बनेगा उनका एक सीट तो इसी से ही कम हो जाएगी शुरुआती। ठीक है सर। आशीष सूद साहब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सर अब मल्होत्रा साहब के बाद तो सबसे पहला सवाल आपसे ही बनता है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी और जेडीयू के आप से संपर्क में हैं, उनके बहुत सारे विधायक आपने अगवा कर लिया है आनंद सिंह साहब को, और कल से या यूं कहें कि लगातार आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो आंकड़ा है जादुई आंकड़े को छूने का, 111 विधायकों की संख्या तक पहुंचने का, ये आप पूरा कैसे करेंगे? और एक पैनल पर आपके ही एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे साथ हमारे पास अमित शाह जी हैं, आप क्या कहेंगे सर? देखिए सबसे पहले तो आज के दिन कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बार बार जिस प्रकार से जुडिशरी के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां, इम्पीचमेंट मोशन वगैरह वगैरह जो कर रहे थे, आज राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि कल तक तो वो लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, हमने सब कुछ कब्जे में कर लिया। और दूसरी बात, कल से सबसे पहले कांग्रेस का कंटेंशन ये था कि स्पीकर ने सब कुछ गलत किया है, और हम बार बार कह रहे थे फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, उनका अधिकार नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करके एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े हैं, वो नहीं बना सकते सरकार, इसका फैसला सिंगल लार्जेस्ट के नाते हमारा है। इन सब विषयों पे हमारे स्टैंड विंडिकेटेड हुए हैं, हमारे विषय सुप्रीम कोर्ट ने भी में स्टैंड हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये खरीद फरोख्त और बाकी संदर्भों में बात की जाती है, कांग्रेस जनता दल सेकुलर को जनता दल संघ कहकर चुनाव लड़े, और आज कुमार स्वामी साहब अगर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो ये तो हो गई जनाब रणनीति। अगर बाकी के विधायक अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर्स के बीच में जो कहकर गए उसलिए अपने हितों के अनुसार कोई निर्णय करते हैं तो ये है खरीद फरोख्त। कमाल का लॉजिक कांग्रेस ने डेवलप किया है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की डील हुई है, उसी तरह मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप विधायक कहाँ से लाएंगे? खरीद फरोख्त तो हो ही रही होगी ना सर, इसीलिए शायद कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, कुछ तो हो ही रहा होगा, क्योंकि आपके पास तो जो जनादेश है वो 104 सीटों का है, 104। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हो ये रहा है, ये दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ जमीन पर विरोधी आइडियोलॉजीज में चुनाव, एक दूसरे के खिलाफ, यही तो सिद्धरमैया साहब थे ना जिन्होंने, कुमार स्वामी साहब थे ना जिन्होंने सिद्धरमैया जी की घड़ी आइडेंटिफाई की थी कि 70 लाख की घड़ी पहनते हैं, एक दूसरे को ताउम्र गलत बताते हुए चुनाव लड़े। आखिर ये जो विधायक लड़के आए ये इनके जीवन का आखिरी चुनाव तो नहीं है ना, इनके भी तो राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक आकांक्षाएं, राजनीतिक एम्बिशंस हैं। कांग्रेस और जेडीएस इस बात को जानते हैं कि वो एक अनैतिक गठबंधन कर रहे हैं, उस अनैतिक गठबंधन के अपने विरोधाभासों के चलते उनके विधायक उनको छोड़कर जा सकते हैं, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं, आपसे संपर्क में हैं, उन्होंने अपने विधायकों को बंधुआ बनाकर, आपसे संपर्क में हैं ना, इसका मतलब तो विधायक हमारे बीजेपी से संपर्क में है। हम सिंगल लार्जेस्ट दल है, हमारे देखिए सरकारिया कमीशन के मुताबिक अगर कोई
प्री पोल अलायंस है पहले उसको, अन्यथा सिंगल लार्जेस्ट दल को, उसके बाद किन्हीं और को, इन सबके साथ स्टेबिलिटी हमारा अधिकार है। कांग्रेस के खिलाफ मत दिया है कर्नाटक की जनता ने। कर्नाटक अनिश्चितता में जाकर विकास का पहिया जो चल सकता है भारतीय जनता पार्टी के चलते, उसको रुकने नहीं देंगे। हम अपनी ओर से जनता के मैंडेट के सम्मान के रूप में अधिकार में हम वहां आए हैं, और जो लोग कर्नाटक को डेवलप करना चाहते हैं, अगर अधिकार है आपके पास, जनता ने आदेश दिया आपको, जनादेश आपके पास 104 का है। मैं तो ये कह रही हूँ कि उन विधायकों के मतलब अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए कि हमने जेडीएस और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी की पार्टी बने, इसलिए हम उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यही शायद आप कहना चाह रहे हैं। और देखिए सर, राजनीति है, इसमें कौन किसका कब साथी बन जाता है, ये शायद आप राजनीति में रहते हुए भी नहीं जानते होंगे, और ये हम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं और समझते हैं। खैर, मेरे साथ अलीमुद्दीन खान साहब है। सर, मैं आपके पास आऊंगी, ये कहना चाहता हूं, साहब और भी बहुत सारे लोग हैं पैनल पर, मैं आपके पास आऊंगी, आप भी अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल अलीमुद्दीन खान साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, कहिए, आप बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, क्या अपने ही विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या आपके विधायक खुश नहीं है कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन से कि उस तरफ जा रहे हैं, वहां से बुलावा आ रहा है तो जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 15 तारीख को येदुरप्पा जी ने चिट्ठी लिखी गवर्नर को, और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी कि मैं येदुरप्पा और मेरे साथ कुछ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। वो कौन से कुछ लोग हैं? उन एबीसी का नाम होना चाहिए था ना, तो वो लेटर ही गलत था। और उस लेटर के बिहाफ पे जो राज्यपाल ने संघपाल का काम किया और उनको 15 दिन का टाइम दिया, वो 7 दिन का मांग रहे थे, 15 दिन का टाइम दिया, तो ये इटसेल्फ फ्लोर ऑफ गलत चीज थी। अब देखिए, अभी इन्होंने बात की कि भाई हम जेडीएस को कांग्रेस क्या बोल रही थी, जनसंघ बोल रही थी। मैं पूछता हूँ, आप पीडीपी को उग्रवादी बोल रहे थे, आप पीडीपी को पाकिस्तानी बोल रहे थे, आपने तो पीडीपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना ली, और वहां पर ऊपर से रमजान में आपने सीज फायर का ऑर्डर दे दिया सैनिकों को मरवाने के लिए, ये कौन सा काम आप कर रहे हैं? तीसरी बात अब आती है इस बात की, एक बार बयान तो देखिए, गलत है। जब एक हिम्मत है तो बोलिए, तो सही इसी चैनल पर बोलिए, इसी डिबेट पे बोलिए, 104 एमएलए कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोलिए, गलत है। बीजेपी कहां से ला रही है एमएलए, तो किस लिए कोर्ट में बार बार इनके वकील? अरे भाई, हम कहीं से नहीं ला रहे, तो आप काहे को उन्हें अपनी बगल में दबा के घूम रहे हैं? जब आप बात कर रहे थे तो किसी ने आपको रोका नहीं, क्या वो जानते हैं? सर, आराम से बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं, एक घंटे का समय है, आपको किसी ने नहीं रोका था। खान साहब को बोलने दीजिए एक बार। जी जी सर, जल्दी से खत्म कीजिएगा, मेरे पास और भी गेस्ट है पैनल पर। देखिए, हाँ जी मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। देखिए, कोर्ट से बार बार इनके वकील ने कहा कि हमको हफ्ते का ही टाइम दे दीजिए, हमको 3 दिन का ही टाइम दे दीजिए, हमको मंडे तक का ही टाइम दे दीजिए। क्यों कहा? क्योंकि इनको एक विंडो चाहिए कि किस तरह से हम हॉर्स ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन जीडीएस, जेडीएस और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यूनाइटेड हैं, एक भी विधायक के पास जाने वाला नहीं है। जो इंडिपेंडेंट था, जो मिसिंग था, वो भी वापस कांग्रेस के पास आ गया है, और आनंद सिंह भी बीजेपी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। ये किसी गलत फहमी में है। कल स्पीकर चुन लिया जाएगा कांग्रेस का, और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर के शपथ लेंगे। ठीक है सर, ये सर 4 बजे तो वैसे इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब और सूद साहब, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक पर इस समय पूरे देश की नजर है, और हर कोई सच में इस नाटक से अब बाहर निकलना चाहता है और समझना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो कुर्सी का क्लाइमैक्स अभी भी बना हुआ है, कल शाम 4 बजे आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटक की कुर्सी पर कौन सी पार्टी यहां पर बैठती है। टीआर रामचंद्रन साहब भी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मिस्टर रामचंद्रन, एक बात तो साफ है, ये कर्नाटक का जो नाटक हो रहा है सर, हर किसी को इसमें दिलचस्पी है, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कर्नाटक की कुर्सी पर बैठेगा कौन। इन सब के बीच में एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये सर, कि अब बहुत जरूरी है शायद इस चीज को डिफाइन करना कि गवर्नर किसे यहाँ पर सरकार बनाने का निमंत्रण दे, और कैसे, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण दिया जाए, और या फिर गठबंधन, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, इसे लेकर शायद बहुत क्लैरिटी की जरूरत है सर, या फिर ये क्लैरिटी है और पहुंच नहीं पा रही है हम तक। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। गवर्नर साहब ने तो जो जो
जो पहले थी प्रेसिडेंट्स उसके मुताबिक हो गए हैं, और प्रेसिडेंट पहले का यही था कि जो सबसे बड़ा पार्टी है अगर उनके पास बहुमत ना भी हो तो आप उन्हें बुला लीजिए। दूसरी बात यह है कि मिस्टर रामाचंद्रन, बट दैट डिड नॉट हैपन, और दैट डिड नॉट हैपन इन गोवा, दैट डिड नॉट हैपन इन गोवा, हेंस देयर इज ऑल कंफ्यूजन ना सर। वेल दैट इज प्रिसाइसली, नो नो, दैट इज प्रिसाइसली व्हाई द कांग्रेस हैज गॉन टू the Supreme Court to seek a clarification on this. मेरे ख्याल में ये जो याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसका महत्व बहुत है। ये फाइनली ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि किस तरीके से गवर्नर साहब को ऐसी पेचीदा स्थितियों में डिसीजन लेना चाहिए। गवर्नर साहब पे ये भी इनकम्बेंट हैं कि वो जब तक अपने आप को तसल्ली ना कर लें कि जिन्हें भी वो बुला रहे हैं वो मेजॉरिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तो उन्हें उनको नकार देना चाहिए, बुलाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए सरकारिया कमीशन ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशंस दी थी उनमें ये स्पेसिफिकली कहा था कि आप जिसको भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे वो एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होगा, और जितना तक आप कोशिश करते हैं किसी भी राजनीतिक दल के साथ अटैचमेंट ना हो। अगर ऐसे करेंगे तो जो भी डिसीजन वो लेंगे वो फ्री एंड फेयर होगा, ना ही किसी एक राजनीतिक दल जिसके साथ आप पहले बने रहे थे उनके तरफ झुकेंगे। तो इन सब चीजों को मसले रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल नहीं है। उन्होंने कहा 10 हफ्ते बाद जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उस पे हम मसला करेंगे। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टर रामचंद्रन, मैं आपके पास लौटती हूँ, किसको मिल रही है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट हम ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयपाल है, अगर जयपाल कुछ अपडेट है तो जल्दी से हमें बता दीजिए यहाँ पर। जी, जहाँ तक सवाल है, अभी चर्चा चल रही थी प्रोटेम स्पीकर के ऊपर में, तो मेरे जहाँ तक मेरी समझ जाती है जो मैंने ऑर्डर में पढ़ा है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रोटेम स्पीकर ही इस चुनाव की जो विश्वास मत की प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। और जहाँ तक अपडेट की बात है तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री से इधर एक बैठक का दौर शुरू होने वाला है जिसपे बैठ करके जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस दोनों आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि कल जब वो यहाँ पर विश्वास मत के लिए आएंगे तो उनकी क्या योजना होगी और किस तरह से उस पूरी प्रक्रिया को करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे अपडेट को भी हम तक पहुंचाने के लिए। मिस्टर रामचंद्रन, क्या कुछ आप एडअप करना चाहेंगे इसमें, जो बात जयपाल ने यहाँ पर कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वही ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है विधानसभा में होगी बहुमत को लेकर उसे पूरा कराएंगे? देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैंने पूरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा नहीं, पर जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आया उसका ये था, अमूमन अगर आप देखें तो प्रोसीजर ऐसे होता है, पहले प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ देते हैं एमएलए बनने के लिए, और उसके बाद एक नया स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मल्होत्रा साहब ने कहा। फिर ये उनपे ये निर्भर होता है कि वो कैसे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, उसमें शुरू होने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी स्पीचेस भी हो सकती हैं। जो चीफ मिनिस्टर अभी फिलहाल नियुक्त किए गए उनके तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ, उसके बाद वोटिंग होगी और फिर तय होगा। पर जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि कैसे मेंबर्स को तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो 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 संविधान है और जो ये दूसरी लॉ ऑन एंटी डिफेक्शन है, जब तक आप एक पार्टी को 2/3 नहीं तोड़ते तो आपको प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होगा। 2/3 का मतलब है काफी ज्यादा। क्या इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
अब ये कल ही शहजाद से पूछ लेते हैं, हम लोगों को पता चलेगा शहजाद से पूछ लेते हैं, वैसे तो कल ही अदलाबेरी हुई है। बिल्कुल 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 कल ही पता चलेगा। शहजाद बहुत इम्पोर्टेंट है कल 4 बजे कितने लोग बीजेपी के साथ आते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे जो विधायक है वो हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे लॉयल है, तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। 24 घंटे की बात है, कल इसी समय पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर की बात है तो आर्टिकल 95(1) और आर्टिकल 181 के तहत प्रेसिडेंट या गवर्नर को विशेष अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की न अनुपस्थिति के उसमें अपॉइंट करे, उसको स्पीकर प्रोटेम कहा जाता है। अब उसमें भी अगर किसी को निकालना है कि कन्वेंशन ये था, कन्वेंशन बाइंडिंग नहीं होते, रूल्स बाइंडिंग होते हैं, ये संविधान में लिखा गया है। गवर्नर ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। अगर अभिषेक मनु सिंघवी को इससे भी दिक्कत है, कल तक उनको CJI से दिक्कत थी, आज CJI से दिक्कत नहीं है, परसों EVM से दिक्कत थी, आज EVM से दिक्कत नहीं है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत थी, कल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर कर रहे थे, आज उनको नहीं है, चलो अच्छी बात है, अब कल प्रोटेम स्पीकर भी ठीक हो जाएगा उनके लिए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, सारी समस्याएं हैं, वो कल सुलझ जाएंगी। अगर येदियुरप्पा के पास नंबर है तो सरकार बरकरार रहेगी, नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। इसमें उतना और चर्चा का विषय बचा नहीं है अब कुछ। लेकिन क्या इतना आसान है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना? एक्सपीरियंस क्या? अब जितना डर रहे हैं वो लोग, जिस तरीके से GPS चिप ही लगाना बाकी है उनके ऊपर, बाकी तो सारी चीज़ें कर ली है, मुझे लगता है उनको पट्टा भी लगा दिया है, तो जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि टिकाऊ से ज़्यादा बिकाऊ लग रहे हैं उनके MLA। अब बिकाऊ है तो उतने ही बिकाव है जितने की जो लोग एक दूसरे को गाली देने के बाद चुनाव के से पहले चुनाव के बाद एक हो जाते हैं, और अगर टिकाव है तो उतने ही टिकाव है जितना कि उनका विचार था। आप कह रही थी किसी से कि अरे GDS के MLA तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के आए हैं और अब बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तो मुझे बताइए कुमारस्वामी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि मैं लिखित में देता हूं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा? तो जब नेता ही उनका ऐसा है तो MLA को क्यों दोष दे रही है? तो MLA इजीली आ सकता है, नेता जब अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तो उनका MLA भी सुन सकता है अंतरात्मा की आवाज। मतलब आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ? तो कुमारस्वामी जो सिखाएंगे वो सीख रहे हैं। चलिए नैना, जो बात मैं मिस्टर रामचंद्रन से कर रही थी वही उसी पर वापस लौटना चाहूंगी, और वो इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में अगले 2019 में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, वहां क्या कुछ स्थिति होगी ये तो अभी ढंग से नहीं पता है, लेकिन शायद बहुत क्लैरिटी की जरूरत है इस बात पर कि गवर्नर किस दिशा में आगे बढ़कर मेजॉरिटी पार्टी को यहां पर बुलाएं सरकार बनाने के लिए, या फिर क्यों ऐसी स्थिति है कि आप हाउस में जाएं और तब नंबर्स प्रूव करें। उससे उस लिहाज से देखा जाए तो येदियुरप्पा को तो शायद शपथ लेनी ही नहीं चाहिए थी। आई डिसएग्री विथ यू। आर्टिकल 164 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो गवर्नर को ये डिस्क्रिशन देता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अडॉप्ट किया है। द गवर्नर यूजुअली हैज वेरी रूटीन टास्क, कहीं स्कूल जाके इनॉग्रेट कर दिया कुछ, पर कुछ स्थितियों में जैसे प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि आप डिसाइड कर सकते हो अपने डिस्क्रिशन से कि आप किसको बुलाओगे। अगर आप देखें हर जगह, चाहे गोवा हो या भारत की हिस्ट्री में और भी जगहों पे, द नंबर्स हैव टू बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फॉर दैट द गवर्नर हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट ही बिलीव्स कि वो जिनको भी बुला रहे हैं उनके पास इतने नंबर हैं कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। इसमें और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर है। और लेकिन बहुत बार तो डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर पर ही सवाल उठ रहे हैं ना, जैसा कि रामचंद्रन साहब, मुझे लगता नहीं है सुप्रीम, मुझे लगता नहीं गवर्नर फिर नहीं, वो होना चाहिए जो किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस, क्योंकि फिर सवाल इसी बात पर उठ जाते हैं कि क्योंकि वो उस पार्टी को बिलोंग करते थे इसलिए उन्होंने मौका दिया उस पार्टी को। तो इसमें ये प्रश्न जाहिर है उठे भी हैं और उठते भी रहेंगे, पर इसी का अर्थ डिस्क्रिशन होता है कि गवर्नर एट द स्टेट लेवल एंड प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल हैज द डिस्क्रिशन टू इनवाइट हूएवर ही चूजेस अनलेस इट इज मैलाफाइड। तो उसके लिए आप मैलाफाइड क्वेश्चन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, मैलाफाइड क्वेश्चन नहीं किया गया। और मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा यहां पे, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं
हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन पार्टी सिस्टम आजकल थोड़ी खोखली हो गई है. तो ऐसे कई जनता दल एस और कांग्रेस में मुझे तो जाहिर से लग रहा है एमपीज हैं जो हमने देखे 99% फॉर एग्जांपल जनता दल एस के एमपीज करोड़पति हैं जो अपना खर्चा करके खुद के लिए आए हैं, वो किसी और के लिए नहीं आए हैं. ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है और ये एक कारण है कि जनता दल एस या फिर कांग्रेस अपने फ्लोक को साथ नहीं रख पा रही है कि इंडियन डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, लोग पैसा खर्च के खुद के लिए एमपीज बनते हैं. तो ये एक तीन चीजें कल हो सकती है मेरे ख्याल से. पहली बात हो सकती है कि लोग ओथ ही ना लें. अगर ओथ नहीं लेते तो एक नया डेवलपमेंट हो जाता है, नंबर गिर जाएगा जो नंबर जो मिड वे मार्क है, या एब्सटेन करें. अब उसमें प्रोटेम स्पीकर इससे पहले भी एक बार हुआ था जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी जो तीसरा संभावना है, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ में कर्नाटक में डिस्क्वालीफाई नहीं किया था. तो प्रोटेम स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण एक वो होने वाली है जिम्मेदारी. और मैं एक मेटाफर यूज करूंगा, डांस का मेटाफर, डांस फ्लोर है एक तरह से, डांस फ्लोर ही है कि यहाँ क्या कर्नाटक का फेमस डांस यक्षगान होगा या माइकल जैक्सन ने जैसे कहा था ब्लड ऑन द डांस फ्लोर. कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में विकृतियां आई हैं, एमपीज और एमएलए कई करोड़पति एमपीज और एमएलए अपने लिए लड़ते हैं. वो कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने इतना खर्चा नहीं किया, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा. मल्होत्रा साहब, आपके एक्सपीरियंस से और यू एज एन इंडिविजुअल सर, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इसी पूरी ही चर्चा पर मैं आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इस तरह से बातें भी कर रहे हैं. आम जनता ये कह रही है कि अगर गवर्नर को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है तो उस लिहाज से तो जो पोस्ट अलायंस हो या फिर लार्जेस्ट पार्टी हो उसे बुलाइए. फिर हर जगह के लिए अलग अलग रूल क्यों? गोवा में रूल बदल जाता है, क्यों राजस्थान में कुछ और हो जाता है, कर्नाटक में कुछ और हो जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल क्यों? तो सर, आपको लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह से चेंजेस होने चाहिए कि बहुत ही क्लियरली डिफाइन हो जाना चाहिए कि अगर आपके नंबर्स इस तरह से हैं, अगर आप इतनी सीटों पर चुनाव जीतते हैं, बहुमत साबित करने के लिए जो पार्टियां ये लंबा समय मांगती हैं, फिर चाहे 10 दिन का टाइम हो, 15 दिन का टाइम हो, 2-2 महीने तक का भी टाइम मिल जाता है कि आप नंबर्स यहां पर, सर उसी में तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें होती है, क्या उससे करप्शन को और बढ़ावा नहीं मिलता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा. मेरे विचार से इस वक्त समय आ गया है कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए सुटेबली, और या ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएं गवर्नर साहब के लिए जो बिल्कुल फूल प्रूफ गाइडलाइंस हो. इतनी डिस्क्रिशन देना भी ठीक नहीं है. मैं सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब 10 हफ्ते बाद इस केस को दोबारा देखेगी तो शायद कुछ गाइडलाइंस बनाए. अभी तक भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन दी है फुल एब्सोल्यूट गवर्नर को, और इम्यूनिटी दी है आर्टिकल 361 में फुल इम्यूनिटी दी है. अगर कोई बेला फाइडी जब तक एक्यूजेशन ना हो तो गवर्नर के खिलाफ उनकी डिस्क्रिशन पे कोई एक्शन नहीं हो सकता. अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम सब जानते हैं. कांग्रेस के ज़माने में जो चार्ज ओपोजिशन बीजेपी में रहते हुए लगाती थी वो ही चार्ज अब कांग्रेस बीजेपी के ज़माने में लगाती है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं अब बीजेपी, तब कांग्रेस की तरफ से बोलती थी. दोनों तरफ से गवर्नर ऑफिस को मिसयूज़ किया गया है. दोनों तरफ से सिंगल पार्टी को ना बुला के पोस्ट पोल कोलिशंस को बुलाया गया है. 3 दफ़ा कांग्रेस के टाइम में झारखंड में, J&K में, दिल्ली में, और 3 टाइम ही अब बीजेपी के टाइम में गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में पोस्ट पोल अलायंस को बुलाया गया है. अब देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गाइडलाइंस तो दे दी कर सरकारिया कमीशन ने और पंछी कमीशन ने और बम्बई गवर्नमेंट ने और दूसरी जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उन्होंने क्लियर 4 सीक्वेंसेस दे दी कि अगर मेजॉरिटी है तो ठीक,
नहीं तो सिंगल पार्टी हो, नहीं तो पोस्ट पोल अलायंस हो, नहीं तो आउटसाइड सपोर्ट हो। अब ये सब कुछ होने के बाद भी अगर गवर्नर साहब को ये सारी डिस्क्रिशन दी गई है, उसका पर्पस ये होता है, देखिए अब लिस्ट दे दी कांग्रेस और जेडीएस वालों ने, अब सिर्फ गवर्नर साहब देख सकते हैं कि जो सिग्नेचर दिए गए हैं वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक सिग्नेचर तो नहीं है। यही सवाल मेरे मन में भी आया था कि उसे कैसे क्लैरिफाई किया जाएगा कि जो सिग्नेचर मैं यहाँ दे रही हूँ वो जेन्युइन सिग्नेचर है या नहीं। जी हाँ, है, तो इसीलिए ये डिस्क्रिशन गवर्नर साहब को दी जाती है कि वो अपना विवेक इस्तेमाल करके वो फार्मूला नॉर्मली अप्लाई करें कि सिंगल पार्टी जो है उसको इनवाइट किया जाए। और ये 15 दिन का टाइम बड़ा अनरीजनेबल था, ये 2 दिन 1 दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये तकरीबन हर दफा हो रहा है। झारखंड में 19 दिन से 2 दिन हो गया था, गोवा में भी 15 दिन से 2 दिन हो गया था, अब यहाँ 15 दिन से एक। लेकिन मल्होत्रा साहब, उसमें टेंशन हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आखिर कैसे मनाएं ऑपोजिशन के विधायक को कि आइए हमारा साथ यहाँ पर दे दीजिए। सूद साहब, जो बात यहाँ पर कही है मल्होत्रा साहब ने, मल्होत्रा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, और बहुत सही बात उन्होंने यहाँ पर कही कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और जो आरोप आप लोग उन पर लगाते थे, अब सिचुएशन बस उलट गई है, तो शायद सबको समझने की और देखने की जरूरत है। ये बहुत इसीलिए बड़ा जरूरी है उनकी कुछ बातें ठीक है, परंतु मैं उनसे कुछ विषयों में विभिन्न मत भी रखता हूँ। मल्होत्रा साहब, सूद साहब आपसे बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी जी सूद साहब, देखिए इसी देश में कलाम साहब जैसे साइंटिस्ट को राष्ट्रपति दूसरी बार बनाने के लिए किस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए रोका गया, बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को जो अपने आप में एमिनेंस की पोजीशन पे रहे हैं, जब उनको नियुक्त करने की बात आती है तो उनके संदर्भ में भी उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कांग्रेस ने पिछले वर्षों में सवाल उठाए हैं, चाहे वो सीएजी क्यों ना रहा हो, पिछले सीएजी विनोद राय ने ऐसा क्यों किया। आप इस बात को समझ लीजिए, कांग्रेस वो दल है जो कभी भी सत्ता से बाहर जाते ही सब इंस्टीट्यूशंस को, यही वो दल है ना जो एक सप्ताह पहले इंपीचमेंट मोशन ला रहे थे, आशीष जी, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं ना, सुनिए ना आशीष जी, एक मिनट, जो बातें आप कह रहे हैं सुनिए ना, मल्होत्रा जी की बात का जवाब आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्यों हर बार ऐसा होता है कि जो पार्टी बाहर बैठी होती है वो जो इल्जाम लगाती है, जो इल्जाम आप लोग कांग्रेस पर लगाते थे आज वही काम कांग्रेस कर रही है, तो इसमें गलत क्या है सर? और जो बात यहाँ पर कही मल्होत्रा साहब ने गवर्नर अपॉइंटमेंट की, वो बात सर, वो बात इसलिए होती है, सुनिए ना एक मिनट, वो बात इसलिए यहां पर उठी है क्योंकि कर्नाटक के गवर्नर ने जो फैसला लिया, गोवा के गवर्नर ने जो फैसला लिया, तो सवाल उठने बहुत लाजमी है सर कि विवेक से काम कीजिए, क्योंकि आपका साथ रहा है उनके साथ पहले, इसीलिए आपको मौका दिया गया। अगर आप कांग्रेस की जगह पर होते, सूचा, अगर आप कांग्रेस की जगह पर होते तो क्या आप ये सवाल नहीं उठाते? आप ही अपनी बात कहती जाएंगी तो मैं किस लिए हूँ? मैं वही कह रही हूँ आशीष जी, प्रश्न मुझसे पूछा है ना आशीष जी, मैं वही कह रही हूँ, अगर आप कांग्रेस की जगह पर होते तो क्या आप ये सवाल नहीं उठाते? नहीं सर, मैं गलत चीज पर डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं सही चीज पर डिबेट कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं उठाते आप, नहीं उठाते सवाल आप, बिल्कुल नहीं उठाते। सुनिए बात, अब आप मेरा प्रश्न का उत्तर तो सुनिए ना, ऐसे थोड़ी ना होगा, वन साइडेड बात चलेगी। बोलिए सर, गोवा में क्या हुआ? अरे एंकर, चार दिन तक गोवा में कांग्रेस अपना लीडर ऑफ द हाउस नहीं चुन पाई, दिग्विजय सिंह उनके नेता होटल में पड़े रहे, कुछ काम नहीं कर पाए। अब क्या करेगा गवर्नर ऐसी स्थिति में? किसी के घर पर जाकर सरकार बनाने का न्योता देंगे क्या? किसी के घर पर जाके न्योता दिया जाएगा? कांग्रेस ये पैरेलल्स आज कहते हैं कि बिहार में हमें मौका नहीं दिया, हम बिहार में गवर्नर से मांगने जाएंगे, जेडी जनता नीतीश जी की पार्टी ने और आरजेडी ने सरकार बनाई ना, उस दल ने सरकार बनाई, भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी पे थे, नीतीश जी उनका साथ छोड़ गए। इन चीजों का पैरेलल कांग्रेस गलत पैरेलल ड्रॉ करके
वर्तमान इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम कर रही है। बताइए इसमें क्या क्या बिहार में मौका नहीं मिला था आरजेडी को सरकार बनाने का? खान साहब जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे? ठीक है खान साहब जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अब चुप। देखिए देखिए बात सिंपल सी है कि इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे 15 तारीख को, और जब कोई विधायक इलेक्शन जीत जाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहाँ जो है डीसी या जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो जो वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब तक ये तय नहीं होगा कि सूद साहब एमएलए हैं या अलीमुद्दीन एमएलए हैं मल्होत्रा साहब एमएलए हैं, तब तक आप किस चीज़ का लेटर लेके गए गवर्नर के पास 15 तारीख को, जब यही आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन कौन एमएलए हैं? अरे सरकार बनाने के लिए समर्थन तो आपने दिया और गवर्नर साहब आपको मालूम ही नहीं आप बोल क्या रहे हैं। इस बात पर है रिजल्ट आने से पहले बात पर घोषणा कर दी, एमएलए ही नहीं है तो सपोर्ट कहाँ की हो गई? जब एमएलए ही नहीं थे को आपने घोषणा करी ले गए गवर्नर के पास, और गवर्नर ने किस चीज पर आपको 15 दिन का टाइम दे दिया? एमएलए तो है नहीं डिक्लेयर होने के बाद गए। अरे ऑन रिकॉर्ड एमएलए है नहीं भैया, दे दिया। जब तक एमएलए को बिना तैयारी के आप बैठ जाते हैं, एमएलए कहाँ है? एमएलए कोई आपको कुछ पता नहीं क्या? 16 तारीख को आइडेंटिफाई हुए हैं, अब 15 तारीख को समर्थन क्यों दिया था? चार यही तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 2 बजे समर्थन यही नहीं दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्या लिया है? एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। एक मिनट शहजाद बीच में आना चाहते हैं, बोलिए शहजाद बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक सेकंड। कांग्रेस को तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट। साहब एक मिनट जरा शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। एक 10 सेकंड की बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है सारे लोगों ने इस पैनल पे आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिखा गया और उस पर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया है कि जो एकदम वेडनेसडे सॉरी रिजल्ट आने तक पहला पेटिशन जो उनका बन रहा था वेडनेसडे को डालने के लिए, वो पेटिशन ये था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मतलब कांग्रेस को बुलाया जाए, और इसी स्थिति में ना बुलाने जाने पर तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो मतलब ये वो निश्चित करके बैठे थे कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, और उनका तर्क भी ये था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाना चाहिए, और हमें नहीं बुलाएंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये आप आज धनंजय महापात्रा की स्टोरी है, तो आप मुझे बताओ कि ये उसूल बदल कैसे गया? आपने पेटिशन बना के रखी, अगर ये झूठ बात है तो टाइम्स ऑफ इंडिया को सू कर दो। मतलब आप खुद जानते हो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना है तो अलग अलग राज्यों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पर जाना चाहते हैं। सच एंड सच एमएलए सो मेनी एमएलए अलीमुद्दीन साहब, मैंने आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, आपने सूद साहब का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कम से कम अपने छोटे भाई का रमजान के मौके पर सच सच बात कहकर बता दीजिए कि आपने वो पेटिशन क्यों बनाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते हम लोगों को बुलाया जाए? अलीमुद्दीन साहब अब आप देखो एक तरफा आप राहुल जी की तरह बोलते बोले जा रहे हो, आप सवाल सुन नहीं रहे हो, जवाब आपका रटा हुआ है। थोड़ा शांति रखिए, रमजान में चीखते चिल्लाते नहीं है, कांग्रेस रमजान में चीखते हैं। एमएलए ही नहीं, एमएलए 16 तारीख को बने हैं। अरे मेरे भाई तो आप मुझे बताओ पेटिशन पे आपको सवाल क्या पूछा? बात का डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुनिए ना सवाल सुनिए फिर से। आपने पहली पेटिशन अलीमुद्दीन साहब रमजान के मौके पे चिल्लाते नहीं किसी पे, सुन लीजिए, और झूठ भी नहीं बोलते। अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब एक ही दे रहे हो, जैसे राहुल जी जवाब दे देते हैं प्री प्रोग्राम, वैसे जवाब आप दे रहे हो सवाल सुने बिना। मैं सवाल दोहरा रहा हूं आपके लिए, आपने ये पेटिशन में क्यों डाल दिया अपनी पहली वाली कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए? क्यों दिया जाता मालूम नहीं है। आपने ये पेटिशन क्यों बना के रखी थी, तैयारी करके रखी थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते हमको दावे के लिए बुलाया जाए? अखबार की बात मत पढ़िए। अच्छा अखबार की बात ना पढ़े अच्छी तरह जानते तो आप अखबार को सू कर दो, सू कर दो ना इस अखबार को, ये छोटा सा अखबार है, सू कर दो। 4 बजे शक्ति परीक्षण होगा बीजेपी का। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक के नाटक के बाद एक बात तो साफ है यहाँ पर कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत जरूर है, जो बात मल्होत्रा साहब ने यहाँ पर कही, क्योंकि जिस तरह से गवर्नर का चुनाव होता है, गवर्नर को अपने विवेक से किस पार्टी को बुलाना चाहिए, उन सब चीजों को बहुत क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है। नहीं तो जो नाटक कर्नाटक में हुआ, आने वाले सालों में दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव होंगे तो इसी तरह के नाटक के लिए हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।